ये कर रहा नाई की दुकान में कंची मारी गई। मैं बहुत गरीब हूँ, इसने कंची मारी सुखी और एक और एक बंदा है उनके साथ। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कंची मारी गई। अगर कुछ हुआ तो मेरा बीमार सुखी है। ना ना पर चल बैठा है थले। ठीक है का टाइम था, क्या हुआ था आपका नाम, आप साथी उस टाइम क्या हुआ? मेरा जी सर, मेरा नाम यावर है। टाइम सर 10 बजे था जी सर, हम नाई की दुकान पे गए थे, वहाँ कोई शराबी आए और हमसे छेड़छाड़ की। मैंने कहा भाई क्या हुआ, जब हम नाई से दुकान से बाहर निकले वो पीछे से आए और कैंची लगाई उसके पेट सर, मेरे से भी हमला किया, लेकिन मैंने कैंची उठानी नहीं। फिरने के देखा जो नाई को भी जानते थे वो उनको जानते थे? हाँ, सबको जानते हैं सर। नाई उनको जानते थे? हाँ सर। तो फिर आपने बोला नहीं, ये पुलिस को कंप्लेंट नहीं की उस टाइम की? हाँ, ये सर, बंदे थे, हमने ये उसी टाइम पुलिस को फोन किया लेकिन पुलिस ने हमारी बात सुनी नहीं। कौन से नंबर पे फोन किया था, कौन सा थाना पड़ता है वहाँ पे, कौन आया था? कोतवाली सर, कोतवाली थाना। तो फिर कितने टाइम में पुलिस वहाँ पे पहुँची आपके पास? नहीं, कहाँ सर पुलिस पहुँची, आधे घंटे के बाद आई। फिर तो आप क्या कहना चाहती हो कि आपकी जो आपने कॉल किया, तो एक तरफ जो सरकारें कहती हैं कि पुलिस वाले अपने नंबर दिया जाता है सभी देशों में, ऐसा होता है, तो कितना समय लगा और आप क्या मानते हो उसको देखते हो? सर मैं क्या मानता हूँ, बस यही कह रहा हूँ कि काजू को सजा दीजिए और इंसाफ, हमारे साथ इंसाफ नहीं। पर्चा दर्ज हो चुका, एफ आई आर दर्ज हो गया? हाँ सर। कितने दिनों बाद हुई? 3 दिन के बाद सर। हेलो, उस टाइम क्यों नहीं हुई, उस टाइम आपकी कंप्लेंट लेनी थी? सर फ़ोन भी किया, ये भी कहा सर ये मसला हो गया, लेकिन हमारी बात किसी ने सुनी ही नहीं। जब हमने भी कुछ अपनी तरह से कुछ किया था तब इन्होंने ऐसा किया है सर, FIR अब दर्ज हुआ सर। जब आपको इंजर किया गया था तो कितने घंटे बाद पुलिस पहुंची थी आपके पास? मेरे लगभग 3 घंटे के बाद। आपका? मेरा नाम नासिर है। नासिर कहाँ के रहने वाले और यहाँ पे कहाँ पे रहती हो और क्या हुआ? सर हम रहने वाले जम्मू कश्मीर के हैं। बात ऐसे हुई, हम काफ़ी टाइम से पहले यहाँ पे रह रहे थे, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अचानक 17 तारीख की शाम को ये वाकया हुआ कि दो अचानक गुंडे आए दुकान में, उन्होंने हमारे लड़के एक को ना कैंची मार दी। कैंची मारने के बाद वो फरार हो गए। तो नेक्स्ट टाइम हम FIR काटते हैं, लड़के को यहाँ पर एडमिट करवा दिया, उसकी सर्जरी हो गई। तो FIR वहाँ पुलिस वालों ने नहीं काटी, ना कोई कार्रवाई हुई ना कुछ हुआ। उसके बाद जब हम पुलिस के पास गए, उन्होंने हमें बहुत इग्नोर कर दिया और हमने जो लड़के अरेस्ट करवाए उनको शाम को ही आधे घंटे में मुलजिम को छोड़ गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ हो, हक की लड़ाई लड़ी जाती है। तो ये दूसरी बात ये है, हमें अभी थैंक्सफुल हम SP साहब का थैंक यू कहना चाहते हैं, जो मैंने पूरी सपोर्ट की। DC साहब के लिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं सर, उन्होंने हमें पूरी सपोर्ट की। SDM साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। कारण क्या था लड़ाई का, कारण क्या हुआ? सर कारण ये हुआ है कि वो नशे में लड़के थे, तो उसके कारण वो पैसे लूटने की कोशिश कर रहे थे, हमारे लड़कों से पैसे की लूटने की तलाश में थे, बाकी ऐसा कारण नहीं है, वो नशे में थे। यहाँ पे पहले भी कुछ केस आ चुके हैं इस मसले में, बट ये केस भी था, तो लूटने के चक्कर में थे, पैसे लूटने के चक्कर में थे। कौन सी हुई थी लड़ाई वगैरह, कैंची वगैरह उनके पास ही या कोई शेव वगैरह वहाँ पे कुछ करा रहे? सर वहाँ पे एक सुखी नाम का नाई है, तो उनके पास कैंची वगैरह पड़ी हुई थी, उन्होंने उसी दुकान से वो सामान लिया हुआ था और उसी सामान से वार किया हुआ है। वार तो दोनों बंदों पर किया हुआ है,
थैंकफुल, एक लड़का सेफ है, ठीक है सर, तो दूसरे पे थोड़ा सा सीरियस है, 90% सर डॉक्टर ने जवाब कर दिया है। तो बात करें भी, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया इस बात जी सर, और वो क्या मामला हुआ था जी सारा इस मामले को लेकर? सर ये मसला ये हुआ था कि हमारी बात तो सुन कोई नहीं रहा था, तो यहाँ के भी लोग हमारी बात कोई सुन नहीं रहा था, कि ये बाहर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था, और पुलिस भी यहाँ की जो इग्नोर कर रही थी, इसके लिए हम थोड़ा सा मजबूर हो गए थे, हमें कोई कदम उठाने पे मजबूर हो गए थे, और हमें अपनी सरकार से मदद लेने के लिए मजबूर हो गए सर, हमारे कश्मीर गवर्नमेंट से जी सर। तो कैसे आपने टाइप किया, कैसे टाई अप किया और कैसे सर? वो हमारे फैमिली ने सर, आगे जो हमारी फैमिली है सर, उन्होंने हमारी मदद की, और उनके वहाँ की सरकार ने हमें मदद की, और उनके ज़रिए यहाँ पे फिर उस बात की इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसकी तरफ से हमें मदद की गई, तो हम थैंक यू करना चाहते हैं स्पेशली एसपी साहब का, जिन्होंने हमारी इतनी मदद की है सर। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मानते हो पुलिस का जो है रवैया ठीक नहीं था आपके प्रति, कश्मीर जी के जी प्रति जी जी सर, स्टार्टिंग जो पुलिस का जहाँ का रवैया था बिल्कुल ठीक है सर, मगर जहाँ पे जो कोतवाली का रवैया था वो बिल्कुल गलत था। कोतवाली का मतलब गलती मानते हो आप उसकी? जी सर, इसमें 99% गलती उनकी है, जो लॉकअप से लड़के उन्होंने छोड़े, किस वजह पे छोड़े, कि उनको कोई पॉलिटिशियन का दबाव था, ये वजह भी है, तो अगर छोड़ा क्यों छोड़ा, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी, मेन कारण ये है सर। आपको लगता है भी पॉलिटिशियन इसमें हो सकते हैं अभी, जिसकी वजह से लड़कों को छेड़ा और छोड़ दिया उसको? जी सर, इनका इसमें कुछ उनके MC वगैरह है वहाँ के, जिनकी वजह से उनको छोड़ा गया, जब तक पॉलिटिशियन का हाथ ना हो तो ये चीज़ें सब तो होती नहीं है सर। नाम पता है किसी MC का आपको कुछ? सर किसी का तो अभी नाम नहीं पता है, बट सुनने में आया है सर, हमारे सुनने में आया है, तो इनका मेन इनका हाथ है, मेन बंदों का हाथ है, तभी ऐसा हुआ, क्योंकि एक ऑफिसर के अंडर कोई मुजरिम आता है, कोई जिसने ये सब कांड किया है, वो अंदर आके आधे घंटे में कैसे बाहर आएगा, उसके पास जब तक बैकअप नहीं है, कोई ना कोई सपोर्ट नहीं है, किसी ऑफिसर की सपोर्ट नहीं है, किसी MLA की सपोर्ट नहीं है, तभी तो एकदम से बाहर आया। सर एक लड़का मरने के लिए तैयार है, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट होगी उसके पीछ में, जो वो जो लड़के बाहर आए, ऐसा क्या कारण है? अभी कोई आपको मेडिकल सहायता मिल रही है कुछ गवर्नमेंट? ऐसा कुछ नहीं मिला सर, जो भी है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जमा है, जो भी हम जहाँ पे जितने भी लड़के हैं लड़के हैं, जो भी हमसे जो भी लोकल हमारे यहाँ पे लोकल बंधु ने मदद की है, और हमसे मतलब इकट्ठे पैसे जमा करके हम लड़के का इलाज करवा रहे हैं, उसका नाम दानिश है, और उसका इलाज करवा रहे हैं। और दानिश क्या काम करता है? सर दानिश भी पढ़ता है सर जी सर, और उनके माँ बाप भी आज आए हुए हैं सर, ये इनके पिता है और भाई सब भी यहाँ पे मौजूद है सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगे हुए हैं, बट सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ फैसला नहीं हुआ। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से हम पैसा जमा कर रहे हैं और दानिश के ऊपर लगा रहे हैं सर। ठीक है सर। ये जी इंसिडेंट हैगा परसों का, बट कल जो कोतवाली थाने जी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई सी कि परसों शाम में एक सनौरी अड्डे विखे एक शॉप हैगी बारबर शॉप, उत्थे दो लड़के आपस लड़ाई हुई सी, जिहड़े इंजर्ड हैगे वह दानिश है, तो अक्यूज्ड हैगा विवेक एलियस वीरू। इन्हां दी लड़ाई बेसिकली हुई थी इन्हां दी वारी दे रिगार्डिंग, कि कटिंग दे रिलेटेड कोई इन्हां दा आपस पहला बहस हुई वारी दे रिलेटेड, एंड दैन इन्हों की हथोपाई हुई दुकान के बाहर। इन द मेन टाइम जो अक्यूज हैगा वीरू, उन्हें सीजर्स उठाइया शॉप तो ही, जो बारबर शॉप सी, तो उतो सीजर उठा के उन्हें ये एबडमन दे विच वार करता, स्टैप करता, तो वो इंजर हो गया सीगा। तो ये नाल जो दानिश के नाल दे लड़के से, दानिश इज बेसिकली फ्रॉम कश्मीर, वो कैटरिंग का काम इतने करता है, उन्होंने हॉस्पिटल रजिंद्रा हॉस्पिटल जाके एडमिट करवाया है, इसलिए उत्थे दा इलाज चल रहा है, हिज कंडीशन इज स्टेबल। नहीं, दैट हैज बीन वेरीफाइड, ये कल एक्चुअली इंसीडेंट जिहड़ा हैगा रिपोर्ट होया सीगा, कल ही एक FIR दर्ज हुई सी 307, 324, 341 नंबर FIR हैगी थाना कोतवाली की, तो ये अक्यूज़ अरैसट हो गया सीगा, बट ये कोई मिस इनफॉर्मेशन जिहड़ी सीगी वो ट्रैवल की सीगी, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी ये अफवाह या एक रूमर टाइप सीगा कि दैट परसन हैज़ बीन बेल्ड आउट, बट ये सीरियस ऑफेंस सीगा,
हीनियस क्राइम सेगा उहदे तहत एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस सेगा दैट्स व्हाई ही वाज अरेस्टेड उहनूं कल ही परचा दर्ज करके जिहड़ा अक्यूज हैज बीन अरेस्टेड यस उहनूं अज कोर्ट दे विच पेश करांगे अगर फर्दर कोई रिमांड वगैरह चाहिए होया तो उहदा डेफिनेटली रिमांड लैके जिहड़ा हैगा अगे दी इन्वेस्टिगेशन अमल च लियावांगे बट असीं इह अपील करना चाहुंदे आ कि इट वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइज क्राइम ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं सीगा नैदर इट वॉज प्री प्लैंड नैदर उन्हां दी कोई प्रायर इंटेंशन सीगी ये एट द हीट ऑफ द मूमेंट जिहड़ा हैगा ये दोनों लड़के आपस दे विच लड़े उत्थे ते जिहदे च एक लड़का जो हैगा दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वह इंजर होया हैगा तो दूसरे लड़के ने जो वार किया हैगा बट उहदी ओह जो उहनूं प्रॉपर सज़ा हैगी जो बनती हैगी डेफिनेटली एज़ पर लॉ असीं उहनूं दवावांगे ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਅਸਰਟੇਨਿੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਆਈਓ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਬਟ ਐਜ ਫਰ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਊਮਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 307 ਦੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।